मेरे प्यारे बच्चे नमस्ते। मैम आज आपके सामने एक सुंदर कविता लेकर आई। कविता का नाम है माया वसंत, अराइवल ऑफ स्प्रिंग। कवि का नाम क्या है? श्री सोहनलाल द्विवेदी, मोहनलाल नो, सोहनलाल द्विवेदी। तुमको याद है कि हमको छह तरह की ऋतुएं हैं, उसमें वसंत काल स्प्रिंग सीजन बहुत सुंदर है। कवि इस वसंत काल के बारे में एक कविता लिखी है। कविता इस प्रकार है, सुनो। आया वसंत चाही जग में शोभा अनंत। इसका अर्थ क्या है? कवि कहता है कि वसंत काल आने पर हमारे जग में, सारी जग में हरियाली या शोभा, बहुत शोभा, अनुपम शोभा छा गई। अगले पंक्तियां, सरसों गेतों में उड़ी फूल, बैरों आमों में उड़ी चुन। अर्थ है कि सरसों के गेतों में नए नए फूल खिल जाते हैं, सारे जग में हरियाली छा गई है। सरसों गेतों में उड़ी फूल, बैरों आमों में उड़ी चूल। इसका अर्थ यह है कि वसंत ऋतु में गेतों में सरसों की फूल गिर जाते हैं, आमों में बैरों की फूल चूलते हैं, आम के वृक्षों में नए नए कोमले चूलते हैं। चूलना मीन्स स्विंग करते हैं। बेलों में नए फूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। बेलों में, बेल में क्रीपेस, क्रीपेस में नए नए फूल हिलते हैं, पल में पतझड़ का अंत हुआ। पल में, हरेक पल में, हरेक मोमेंट, पल में मोमेंट, स्प्रिंग सीजन आने पर हरेक मोमेंट, समर सीजन का अंत हुआ है। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। समझ गए? पसंद हो गई? नेक्स्ट पंक्तिया, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन। सुगंध लेकर पवन बह रही है, सारे जग में हरियाली छा गई है वसंत आने पर। सारे जग में हरियाली मीन्स ग्रीनरी, ग्रीनरी छा गई है। अब मधुर सब दिख दिखंत, घर आंगन सुंदर लगता है। हे अब मधुर सब दिख दिखंत, वसंत आने पर सारे घर आंगन सुंदर लगता है और सब दिशाएं मधुरित होते हैं। फूलों की हानि से, मधुर से सारे दिशाएं मधुरित होते हैं। कवि कहता है वसंत आने पर हमारी सारे जगत में अनुपम शोभा छा गई है। समझ गए? अगले पंक्तियां, बायरे गाते हैं नए गान, कोकिला चेड़ती कुहू तान। कवि फिर भी कहता है कि
बैरे बैरे मीन्स लिटिल बीस बीस नए टैंक से कविता गाते हैं गान गाते हैं। कोगिला कोगिला मीन्स कुक्कू कुक्कू कुहू कुहू तान छेड़ती है समझ गए। अंत में कवि इस तरह करता है हे इस जीवों का सूखी प्राण मेरे अगले पंक्तियां मिलते कि हे इस जीवों की सूखी प्राण इस सुख का हो अब नहीं अंत। वसंत सीजन आने पर सब जीव जंतु और पेड़ पौधे बहुत सुखी हो और इस वसंत काल का अंत कभी न हो कभी का आग्रह ये समझ गए। अच्छी तरह समझ गए बच्चे अच्छी तरह पढ़ो वसंत काल की सुंदर कविता है इसका कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी समझे। अगले विषय लेकर मैं फिर आएंगी। धन्यवाद।